प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्रीनगर के शेर-ए- कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित योग दिवस समारोह में हिस्सा लेते हुए दुनिया भर के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुझे योग और साधना की भूमि कश्मीर में आने का एक सौभाग्य मिला है। योग से हमें जो शक्ति मिलती है श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, योग के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले मैंने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। भारत के प्रस्ताव को 177 देशों ने समर्थन दिया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। साथियों, आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है, योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है। मैं विश्व में हर जगह जितने भी ग्लोबल लीडर्स से मिलता हूं, जहां भी जाता हूं, शायद ही कोई एक आदमी मिल जाएगा जो मेरे से योग की बात न की। दुनिया के सभी वरिष्ठ नेता जब भी मौका मिलता है मेरे से योग की चर्चा जरूर करते हैं और बड़ी जिज्ञासा से सवाल पूछते हैं। दुनिया के कितने ही देशों में योग डेली लाइफ का हिस्सा बन रहा है। मुझे याद है मैंने 2015 में तुर्कमेनिस्तान में योग सेंटर का उद्घाटन किया था। आज वहां योग बेहद पॉपुलर हो चुका है। तुर्कमेनिस्तान की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी योग थेरेपी को शामिल किया गया है। सऊदी अरब ने तो योग को अपने एजुकेशन सिस्टम में भी शामिल किया है। मंगोलिया में भी मंगोलियन योग फाउंडेशन के तहत कई योग स्कूल चलाए जा रहे हैं। यूरोपियन देशों में भी योग का चलन तेजी से बढ़ा है। जर्मनी में आज करीब 1.5 करोड़ लोग योग प्रैक्टिशनर बन चुके हैं। आपको ध्यान होगा, इसी साल भारत में फ्रांस की 101 साल की एक महिला योग टीचर को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। वो कभी भारत नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने योग प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। आज विश्व के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज में योग पर रिसर्च हो रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर योग साधना की भूमि है, योग के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है, दुनिया के नेता अब योग पर बात कर रहे हैं, योग टूरिज्म का नया ट्रेंड है, योग के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है और योग करने वालों की संख्या भी बढ़ी है। इसके साथ ही योग शिक्षकों की मांग बढ़ी है, योग से सकारात्मकता बढ़ती है, योग शांति, स्वास्थ्य और विकास के लिए भी जरूरी है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। योग केवल एक विद्या नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। इसलिए आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जा रहा है। स्पेस प्रोग्रेस में भी जो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है उन्हें भी
योग और ध्यान की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, सहन शक्ति भी बढ़ती है। आजकल तो कई जेलों में कैदियों को भी योग कराया जा रहा है ताकि वो सकारात्मक विचारों पर अपने मन को केंद्रित कर सके। यानी योग समाज में सकारात्मक बदलाव के नए रास्ते बना रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को श्रीनगर पहुंचे थे। मोदी युवाओं के सशक्तिकरण जम्मू कश्मीर में बदलाव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान जम्मू कश्मीर को करीब 3,300 करोड़ रुपए का तोहफा दिया। इसके साथ ही शासकीय सेवाओं के लिए 2,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे।